हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग बना रहे थे कैलकुलेटर, पाइथन टीके एंटर को यूज़ करके एक कैलकुलेटर बना रहे थे, जिसमें हम लोग दो मोड पे हमें दो मोड पे काम करना था, एक नॉर्मल मोड, उसके बाद साइंटिफिक मोड। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर में ऑडियो भी लगाना था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर बनाएंगे, और अभी तक हम लोगों ने इतना कैलकुलेटर बना लिया था। मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और फिर हम लोग इसको चला के सबसे पहले देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो मैं इस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए रन मेन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम देखिए लॉन्च हो जाएगा, और सिंपली आपका एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसमें नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, और कुछ नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम यहाँ पे 6 × 9 कर सकते हैं, इक्वल टू दबा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपली हमारा नॉर्मल मोड था। अब हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग बनाने वाले साइंटिफिक मोड। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए मोड का। जैसे मैं मोड पे क्लिक करूँ, मोड में सिंपली हमें क्या करना है, हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाना है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाना है। उसके बाद जैसे ही बंदा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा, हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा कुछ बटन्स और ऐड कर देंगे डायनेमिकली। थोड़ा सा कुछ और बटन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे 4 बटन दिख रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 और प्लस। मैं क्या करूँगा, इस कैलकुलेटर में कुछ बटन, 4 6 बटन और ऐड करूँगा, बट बीच में ऐड करूँगा। तो मैं एक बार रन करता हूँ फिर से प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे हमें कुछ बटन्स दिख रही हैं, बट हम इस कैलकुलेटर में कुछ बटन्स हम लोग और ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमको इस अभी वीडियो में सबसे पहले क्या बनाना, हमें मेन्यू बनाना है यहाँ पे। तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम ख़त्म किया था। तो सबसे नीचे आ जाइए प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ था, हमने बाइंड किया था इक्वल बटन को। तो ये कोडिंग है साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो इस कोडिंग को मैं यहाँ पे देखिए कमेंट कर दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए हमारी दूसरी वीडियो की कोडिंग है, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, वहाँ से आप देख लेंगे। तो ये आज की कोडिंग है, और ऊपर से मिक्स ना करें इसे। आप जब आप सेगमेंट बना के काम करेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू क्लास यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मेन्यू कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मेन्यू बार बनाना होगा। तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे मेन्यू बार, मेन्यू बार, और मेन्यू बार पे हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे मेन्यू का। और मेन्यू का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें देना पड़ेगा कि ये जो मेन्यू है वो किस विंडो में हमें ऐड करना है, दैट मीन्स इसका पेरेंट क्या होगा। तो हम कहेंगे जो हमारा मेन विंडो है वही पेरेंट होगा। ये मेन विंडो हमारी ये वाली विंडो थी, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये मेन विंडो विंडो इस वाले वेरिएबल में, दैट मीन्स ये हमारी रूट विंडो है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हमारा मेन्यू बार बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इस मेन्यू बार में हम लोग को एक और मेन्यू ऐड करना है मोड का। तो हम एक और मेन्यू बनाएंगे, सिंपली देखिए मोड। तो हम लोग सिंपली एक वेरिएबल ले लेंगे मोड, और एक और मेन्यू बना लेंगे सिंपली देखिए मेन्यू क्लास की हेल्प से। और मेन्यू क्लास में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले बताना है इसका पेरेंट क्या होगा। तो हम कहेंगे जो मेन्यू बार होगा वो इसका पेरेंट होगा। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक सिंपली देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिंपली हम लोगों ने एक मेन्यू बनाया कुछ ऐसे, और हम लोगों ने इसके अंदर एक और मेन्यू ऐड करने की कोशिश की ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये दूसरा मेन्यू है, इसमें भी हम और चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो कैस्केड में ऐड करेंगे, दैट मीन्स वो इस तरफ को जाएगा, इसमें नॉर्मल ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने मेन्यू बार बना लिया। उसके बाद सिंपली आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग ऐड करेंगे मोड पे, हमें एक ऐड कमांड करना है। ठीक है, ऐड कमांड, और कमांड पे लिखना क्या है हम लोग को, देखिए सिंपली मोड पे हमें लिखना है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखिए सिंपली हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर लिख दिया। उसके बाद जब हमारा मोड पे साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐड हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें मेन्यू बार पे अपने इस मोड को ऐड करना है। मेन्यू बार पे अपने इस मोड को ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली ऐड कैस्केड। ठीक है, ऐड कैस्केड, और ऐड कैस्केड में हम दे देंगे सिंपली देखिए यहाँ पे दे देंगे लेबल, और लेबल में हम लोग दे देंगे मोड, और हम लोग मोड के बाद हम लोग को यहाँ पे देना होगा मेन्यू,
तो मेन्यू में अपना हम लोग कौन से मेन्यू को ऐड कर रहे हैं, मोड को ऐड कर रहे हैं। और सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू को शो करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे window.config, और config में आपको पास करना है मेन्यू, और मेन्यू में अपना मेन्यू बार पास करना। अगर आप इतना काम कर दोगे तो मेन्यू बन जाएगा। मैं आपको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मोड का ऑप्शन आ गया, देखिए ये क्लिक हो रहा है, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आ रहा है। परफेक्ट, यही हम लोग को करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को। तो जहाँ पे हम लोगों ने मेन्यू बनाया था मोड वाला, तो मोड वाला मेन्यू कहाँ बनाया था, ये वाला, वहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट इज इक्वल टू और अपना फॉन्ट जो हम लोग का फॉन्ट चल रहा था ऊपर से। तो देखिए साइंटिफिक, ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हल्का सा फॉन्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉन्ट और डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे फॉन्ट, ये किसका फॉन्ट है भाई, मेन्यू का फॉन्ट है। और हम सिंपली यहाँ पे हम फैमिली स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बट साइज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं, साइज़ होगा 15 सिंपल। और हम इस मेन्यू फॉन्ट मेन्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ना कि उसको यूज़ करेंगे। रन करेंगे सिंपली, देखिए अभी ठीक है, परफेक्ट है। तो साइंटिफिक बटन, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, मोड पे क्लिक कर रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली मैं चाहता हूँ इसको हटाऊँ, ये डॉट डॉट जो लगा इसको हटाऊँ, क्योंकि इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका साइंटिफिक मेन्यू अलग हो गया दूसरी विंडो में। तो आप क्या करें, यहाँ पर टेयर ऑफ एक ऑप्शन होता है टेयर ऑफ का, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ हमने देखिए ये मोड वाला जो मेन्यू है उसमें हम यूज़ कर लेंगे टेयर ऑफ और इसको जीरो दे देंगे। इससे होगा क्या, सिंपली इससे जो वो डॉट डॉट बन के आ रहा था वो गायब हो जाएगा। तो अब ये आपका परफेक्ट है कैलकुलेटर, ठीक है, आपका परफेक्ट कैलकुलेटर है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करने वाले, हम करना चाहते हैं, देखिए हम सिंपली क्या चाहते हैं कि जैसे मैं रन करूँ इस मोड पे क्लिक करता हूँ साइंटिफिक पे, जैसे मैं क्लिक करूँ हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपली मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो इधर मैं बनाऊँगा सारे फंक्शंस, तो ये फंक्शंस हैं आज वाले, ठीक है, आज वाले, दैट मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड वीडियो वाले फंक्शन, या लिख देता हूँ सेकेंड वीडियो फंक्शंस, ठीक है। तो आप ये चीज़ सारी चीज़ ध्यान रखोगे तो आपका कैलकुलेटर और बढ़िया बनेगा और कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगी। और मैं यहाँ एंड भी कर देता हूँ, एंड फंक्शंस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लिक बनाऊँगा, तो लिखूँगा डेफ और SC क्लिक, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लिक। और इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो मैं यहाँ सिंपली ऐसे लिख दूंगा प्रिंट और लिख दूंगा क्लिक्ड, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करना है हमें इस साइंटिफिक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कमांड, और कमांड में अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर वाले फंक्शन का रेफरेंस दे दूंगा सिंपली। तो जैसे ही आप उस साइंटिफिक कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे जैसे मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ हमारा फंक्शन देखिए कॉल हो गया क्लिक्ड। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर को क्लिक किया, क्लिक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा मेन्यू बार कंप्लीट है, बट ये ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे टिक बन के आ जाए, दैट मीन साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कैसगेट में हम लोगों ने मोड लिखा था, ये सॉरी यहाँ पे मोड में ऐड कमांड यूज़ किया था। इस बार मैं ऐड कमांड नहीं यूज़ करूँगा, इस बार मैं यूज़ करूँगा ऐड चेक बटन, ठीक है। चेक बटन से होगा क्या, राइट क्लिक करके रन करिए, तो देखिए मोड पे जाएंगे, चेक बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेक हो गया। अब चेक मतलब आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन है, और आप इसको हटा देंगे दैट मीन्स अब आपका नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन है। चेक मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर। तो हम इसको टॉगल कैसे करेंगे, तो सिंपली देखिए इससे टॉगल करना है। एक वेरिएबल ले लेंगे, पहले लेंगे नॉर्मल कैलसी, और नॉर्मल कैलसी वाले वेरिएबल को मैं ट्रू कर दूंगा, इसको ट्रू कर दूंगा। इसको ट्रू करने का मतलब होता है, नॉर्मल कैलसी वाले वेरिएबल को ट्रू करने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल कैलकुलेटर है, लेकिन जैसे ही बटन क्लिक होगी हम चेक करेंगे इफ अगर नॉर्मल कैलकुलेटर ट्रू है, दैट मीन्स आपको नॉर्मल कैलकुलेटर दिखाना है, सॉरी नॉर्मल कैलकुलेटर हुए तो आपको साइंटिफिक वाला यहाँ पे शो करना है। तो मैं लिख देता हूँ शो साइंटिफिक, या लिख देता हूँ प्रिंट और लिख दूंगा शो साइंटिफिक, ठीक है। और अगर साइंटिफिक शो कर रहे हो तो आप नॉर्मल को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, नॉर्मल कैलसी को फॉल्स कर दो, तो ये टॉगल एक तरह का काम कर जाएगा। तो ये परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ये वेरिएबल ग्लोबल है, तो हमें यहाँ पे ग्लोबल नॉर्मल कैलसी यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्ट। अब हम else में लगाते हैं, अगर नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं होगा, दैट मीन्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है सो नॉर्मल, ठीक है, और आपको नॉर्मल कैलसी को क्या कर देना है, सिंपली ट्रू कर देना है, परफेक्ट। तो अब आपका ये फंक्शन टॉगल करेगा, जब वहाँ पे टिक नहीं होगा तो ये नॉर्मल को शो करेगा, जब टिक होगा तो ये
उसको ओपन करेगा, देखिएगा सिंपली। अभी देखो सिंपली ये नॉर्मल मोड ओपन है, दैट मीन्स ये ट्रू है। जैसे ही आप यहाँ पे साइंटिफिक पे क्लिक करोगे, देखिए सो साइंटिफिक, अब अगर सो साइंटिफिक हो गया दैट मीन्स साइंटिफिक ओपन है। अब इसको आप चेक अनचेक कर दोगे दैट मीन्स सो नॉर्मल, फिर आप चेक करोगे सो साइंटिफिक सो नॉर्मल, तो आपका परफेक्ट लॉजिक चल रहा है। अब आपको यहाँ पे कोड लिखना है सो साइंटिफिक वाला, और यहाँ पे कोड लिखा है सो नॉर्मल वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे और कुछ कोडिंग करेंगे पहले से। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रेम बना लेंगे, उसमें चार बटन्स ऐड कर लेंगे, या सबसे पहले दो बटन ऐड करके ट्राई करते हैं। तो सिंपली एक हम बटा फ्रेम बनाएंगे जिसका नाम देंगे एससी फ्रेम, मतलब साइंटिफिक फ्रेम। और साइंटिफिक फ्रेम में क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम बनाएंगे फ्रेम क्लास, और इसको भी हम ऐड करेंगे विंडो पे, ठीक है। लेकिन अभी इसको पैक नहीं करेंगे, पैक कब करेंगे जब मैं बताऊंगा, जब हमें उस विंडो में ऐड करना होगा तब हम पैक करेंगे। अगर मुझे ऐड नहीं करना है तो हम पैक अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम बटन्स ऐड करते हैं, तो बटन सबसे पहले मैं SQRT स्क्वायर रूट की बटन ऐड करूंगा। तो ऊपर से मैं एक बटन को कॉपी कर लूंगा सिंपली, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसका नाम बदल दूंगा। देखिए इसका नाम हम बदल देंगे, और इसका नाम दे देंगे SQRT बटन, ठीक है। और इसके ऊपर हमें दिखाना है SQRT, तो हम ले लेंगे SQRT, परफेक्ट। और इसकी विड्थ हम ले लेंगे 5, और बाकी सब सब चीज़ तो ठीक है। और रो कर देंगे इसका 0, और इसका कॉलम कर देंगे 0, कॉल स्पेन थोड़ी देर के लिए हम देंगे हटा। तो एक बटन हमने ऐड किया, एक बटन इसका और बना लेते हैं। तो सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी दबाइए, एक बटन आपकी और कॉपी हो जाएगी। और अगर एक बटन और कॉपी हो जाइए तो इसको इस बटन का नाम चेंज कर दीजिए, इस बटन का नाम हम कर देते हैं पॉ बटन, पावर बटन था पॉ बटन, और यहाँ पे लिख देंगे हम POW पावर, ठीक है। और हमें करना क्या है, सिंपली रो वही रहेगा, कॉलम 1 कर देंगे, ठीक है। और कमांड को भी अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग देते हैं हटा, बाद में देखेंगे। तो हमने एक फ्रेम बना लिया सिंपली। और एक चीज़ आपको और करना है, देखिए ये जो दोनों बटन है इसको आपको एससी फ्रेम में ऐड करना है। तो यहाँ पे भी आपको करना है एससी फ्रेम, एससी फ्रेम, और नीचे वाले में भी करना है आपको एससी फ्रेम, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारी ये जो दोनों बटन है वो इस फ्रेम में ऐड हो गए। आप ध्यान से देखिए, सो साइंटिफिक का मतलब होता है कि हमें अपना ये वाला फ्रेम हटाना है। हमें कौन सा फ्रेम हटाना है, हमें अपना ये वाला फ्रेम हटाना है। तो फ्रेम हटाने के लिए सिंपली मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा बटन फ्रेम डॉट पैक फॉरगेट। इससे क्या होगा, आपका जो मेन ये जो फ्रेम है वो हट जाएगा यहाँ से, ये पैक जो आपने किया था उसको फॉरगेट कर देगा, दैट मीन्स इस पूरे फ्रेम को हटा देगा। और जब पूरे फ्रेम को हटा देगा उसके बाद मैं ऐड करूँगा अपने एससी फ्रेम को। तो ऐड एससी फ्रेम मतलब साइंटिफिक फ्रेम ऐड करना है, तो आप सिंपली लिखिए एससी फ्रेम डॉट पैक और साइड इज इक्वल टू टॉप। तो सबसे पहले ये हटेगा, कौन सा हटेगा भाई, सबसे पहले ये वाला फ्रेम जो है वो हट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं ऐड करूँगा अपना एससी फ्रेम, और एससी फ्रेम को ऐड करने के बाद मैं अपना बटन फ्रेम फिर से पैक करूँगा, दैट मीन्स फिर से इसके टॉप पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो बीच में हमारा एससी फ्रेम आ जाएगा जिस पे ये दोनों बटन दिखेंगे। और अगर नॉर्मल शो करना होगा तो नॉर्मल अगर शो करना है तब तो सिंपली दोनों को हटा दीजिए। तो पहले आप एससी फ्रेम डॉट, या एक को हटा दीजिए, एक तो ऑलरेडी रहेगा उस पर, तो आप एससी फ्रेम डॉट फॉरगेट अनपैक कर दिए, दैट्स इट, परफेक्ट। अब आप रन करिए, तो सिंपली मैं एक बार आपको लॉजिक और समझा दूंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, मोड पे जाता हूँ, साइंटिफिक पे चेक करता हूँ। जैसे साइंटिफिक पे चेक करेंगे तो देखिए दो बटन और आ गई। ये बेसिकली जो बटन है वो एससी फ्रेम के बटन है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बटन है, साइंटिफिक फ्रेम वाली बटन है। और अगर आप फिर से जाते हैं और क्लिक करते हैं तो देखिए वो दोनों बटन हाइड हो गई, दैट मीन्स वो फ्रेम भी से पैक फॉरगेट हो गया, दैट मीन्स वो यहाँ से हट गया। तो हमें क्या करना है, इसकी विड्थ भी कंट्रोल करनी है अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले नॉर्मली रहेंगे तो इसकी विड्थ इतनी ओपन होगी। देखिए राइट क्लिक करके रन करते हैं तो इसकी विड्थ इतनी ओपन होगी, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर पर चेक करेंगे, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगी, ठीक है, इतना हो जाएगी। तो बढ़ाते हैं, तो विड्थ बढ़ाने के लिए जैसे आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे शो होगा, पैक होगा, उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट जेमेट्री, और जेमेट्री में सबसे पहले दूंगा विड्थ। तो विड्थ आपको वही रखनी है, विड्थ चेंज नहीं करनी। तो विड्थ हमने यूज़ किया था अपने विंडो का 510, तो आप विंडो का विड्थ 510 ही कर दीजिए। तो विंडो की विड्थ जो होगी वो 510 ही रहेगी। तो देखिए कहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे, तो विंडो की विड्थ 510 ही रखनी है। क्रॉस इसको 700 कर देते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करेगा तो विंडो, तो उसकी विड्थ और हाइट वही रख देंगे। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे सिंपली नीचे, और यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट
पेस्ट कर देंगे। तो होगा क्या, जब साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन होगा तो इसकी हाइट एडजस्ट होकर 700 हो जाएगी, जब फिर से नॉर्मल करोगे तो इसकी हाइट एडजस्ट होकर 550 हो जाएगी। राइट क्लिक करिए, एक बार रन करिए और आप चेक करिए, आपको एकदम चीज़ें पता चलेंगे। देखेंगे इसकी हाइट बढ़ गई, और अगर आप नॉर्मल पे आते हो तो इसकी हाइट छोटी हो गई, हाइट बढ़ गई, हाइट छोटी हो गई, हाइट बढ़ गई, हाइट छोटी हो गई। परफेक्ट, आपका कैलकुलेटर एकदम बढ़िया बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो बटन्स और ऐड कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया। अब स्क्वायर रूट का आप आइकन ला सकते हो, तो आइकन लाने के लिए स्क्वायर रूट का मैं क्या करूँगा, मेरे पास एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पे स्क्वायर रूट का मैंने सिंबल इंसर्ट कर लिया था। आप भी सिंबल पे जाइए और यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल चेक करिए, देखिए इस क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, और इस स्क्वायर रूट सिंबल को आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जैसे कॉपी करेंगे, अब आप यहाँ पे आके और अपने स्क्वायर रूट वाली बटन पे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो सिंपली। उसके बाद पावर पे हम लोग ये लगा देते हैं, दैट मीन्स पावर बटन, राइट क्लिक करिए। देखिए आपको मोड पे जाइए, साइंटिफिक पे क्लिक करिए, तो सिंपली देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर रूट, पावर, एक रेडियन और एक डिग्री। अब मैं डिग्री लूँगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, और रेडियन लूँगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। तो दो बटन मैं और बनाऊँगा, रेडियन की और डिग्री की। ठीक है, तो सिंपली या हाँ बना देते हैं, फैक्टोरियल का भी बना सकते हैं। तो लेट अस सपोज आगे एक फैक्टोरियल का पहले बना लेते हैं, तो हम पावर वाली बटन को यहाँ कॉपी करेंगे सिंपली, कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी बाद यहाँ पे लिख देंगे, ये जो बटन है वो फैक्टोरियल की बटन है, तो मैं लिख दूंगा फैक्ट बटन, फैक्ट बटन। ठीक है, और इसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसा, एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स फैक्टोरियल या कैपिटल एक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बट यहाँ पे कॉलम एक मैं और बढ़ा दूंगा, तो इसको 2 कर दूंगा, और अब कंट्रोल डी करके मैं एक चीज़ और कॉपी, एक बटन और बना रहा हूँ, और ये बटन बना रहा हूँ बेसिकली, ये हमारी रेडियन बटन, तो रेड BTN। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा 2 रेड, मतलब 2 रेडियन, और सिंपली बस एक बटन यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा दीजिए, और राइट क्लिक करिए, रन करिए सिंपली, और मोड पे जाइए, साइंटिफिक पे क्लिक करिए, परफेक्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करने की कोशिश करते हैं, एक कॉलम और ऐड करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग बीच में स्पेस भी दे सकते हैं, बीच में स्पेस मतलब पैड वाई की वैल्यू हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पैड वाई की वैल्यू इसमें देखें तो हल्का हम पैड वाई भी देते हैं सारी बटन में। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाली बटन्स में पैडिंग यूज़ किया था क्या, कुछ एज सच कोई पैडिंग तो यूज़ नहीं किया था। तो एक बार फिर से मैं साइंटिफिक पे ओपन कर रहा हूँ, ये हल्की सी पैडिंग कहाँ से आ रही है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है कि हम लोग का जो साइंटिफिक फ्रेम है इस पर हम लोग थोड़ा सा पैड वाई दे देते हैं, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं 20 की। इससे होगा क्या, थोड़ा सा साइंटिफिक वाली चीज़ें अलग लगेंगी हमारी। तो हम फाइल पे अगर जाते हैं, मोड पे जाते हैं, साइंटिफिक पे क्लिक करते हैं, तो देखिए साइंटिफिक वाले जितने ऑपरेशन है वो थोड़ा अलग लग रहे हैं, तो एकदम सही लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक 2 रेडियन हो गया, 2 डिग्री और साइन कॉस टैन। ठीक है, ये 3 बटन और बना ले, 4 बटन और बना लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, रेडियन हो गया था, डी करते हैं, और रेडियन के बाद हम लोग ये जो बटन बना देते हैं, इस बटन को क्या कर देते हैं, डिग्री डेग बटन, और यहाँ पे लिख देंगे 2 डेग, 2 डेग, 2 डेग, और सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे रो, और यहाँ पर हम लोग इसको 0 कर देंगे। अब हमको साइन बनानी है, तो कंट्रोल डी फिर से कर देंगे, ये जो बटन होगी वो हमारी साइन वाली बटन होगी, तो हम लिख देंगे देखिए साइन बटन, साइन BTN, और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन थीटा। तो आप थीटा ला सकते हो, यहाँ से एमएस वर्ड में जाइए, इंसर्ट सिंबल करिए, और यहाँ पे आप सर्च करिए थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो आप थीटा इसमें सर्च कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है आप कितने जल्दी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे तो फिलहाल नहीं मिल रहा है थीटा, नीचे आते हैं देखते हैं थीटा थीटा। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ढूंढिए ग्रीक एंड कोप्टिक। ठीक है, तो आप ग्रीक वाला ढूंढिएगा, उस पर आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करिएगा, हल्का थीटा मिल जाएगा, उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। फिर आप क्या करिए, इस थीटा को आप कॉपी कर लीजिए और सिंपली आप आ जाइए अपने इसमें, और यहाँ इसके बगल में पेस्ट करिए साइन थीटा। तो अब आप साइन थीटा जब आपने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका भी कॉलम आप बढ़ा दीजिए, उसके पास इसी तरह कॉस थीटा बना दिए, तो इस वाली बटन को सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल डी दबा दीजिए, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग कॉस थीटा, COS कॉस बटन, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉस
तो अगर स्मॉल अच्छा नहीं लग रहा तो उसको कैपिटल कर दीजिएगा, बट फिलहाल तो मैं स्मॉल कर रहा हूँ। और फिर हम लोग इसको 10 बटन कर देते हैं, तो हम लोग सिंपली इसको कर देंगे 10 बटन। और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा की जगह सिंपली कॉस की जगह हम लोग कर देंगे 10 10। और हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रन करेंगे, देखते हैं हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में बटन्स आई कि नहीं आए। तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ तो रही, बट हमने लग रहा है कुछ गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया भाई, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया है इसके कॉलम्स, ठीक है। तो जो कॉलम्स होंगे 0 1 2 3, ठीक है। आप सेव कर दीजिए और रन करिए, और फिर से आप जाइए साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, यहाँ क्लिक करिए, परफेक्ट। साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखिए आपकी सारी बटन्स ऊपर ऐड हो गई। अब ये फॉन्ट अगर आपको बढ़िया नहीं लग रहे हैं तो इन फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया, ऊपर एक फॉन्ट डिक्लेयर कर दिया था, उसी फॉन्ट को यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको साइज़ लेटर सपोज छोटी चाहिए तो आप यहाँ पे 20 कर दिए, राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, आपके सारे कैलकुलेटर की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, फैक्टोरियल निकाल सकते हो, रेडियन निकाल सकते हो, डिग्री निकाल सकते हो, इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर में 6 बटन्स ऐड की, आप और भी बटन्स इसी तरह ऐड कर सकते हो। इसका आप हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा देखिए मोड पे जाके साइंटिफिक में चेक कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जा रहा है, जब मैं नॉर्मल पे ला रहा हूँ तो हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर आ जा रहा है। परफेक्ट। तो हम 6 बटन का फटाफट काम आपको इसको टास्क, इसके इवेंट्स को हैंडल करके देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऑडियो वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो एस सी क्लिक था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साइंटिफिक क्लिक के ऊपर बनाएंगे फंक्शन और कहेंगे कैलकुलेट अंडरस्कोर एस सी, ठीक है। और हम लोग दे देंगे इसको इवेंट, क्योंकि कल भी मैंने समझाया था, पिछली वीडियो में समझाया था कि इवेंट को हमें हैंडल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट दे देंगे और ऐसे ही हम प्रिंट कर देते हैं ऐसे ही बटन क्लिक, और इस इवेंट, इस फंक्शन को हम लोग बाइंड कर देंगे सारी बटन से, सारी बटन इन द सेंस हम लोग बाइंड कर देंगे अपनी यहाँ से लेके स्क्वायर रूट से लेके सारी बटन को बाइंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, सारी बटन्स को बाइंड कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग बाइंड करेंगे कैसे भाई, देखिए आते हैं, और जैसे ही आप यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे उसके नीचे या फंक्शन, देखिए जहाँ से ये आपने स्टार्ट किया यहाँ भी बाइंड कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ बाइंडिंग एस सी बटन्स, ठीक है। अब हम बाइंड करने जा रहे हैं, तो बाइंड करने में आप एक एक नाम लेते जाइए, स्क्वायर एस क्यू आर टी डॉट बाइंड, और बाइंड में आपको देना है ऐसे ही बटन डैश वन माउस की लेफ्ट बटन का इवेंट, उसके बाद आपको देना है यहाँ पे कैलकुलेट एस सी, ठीक है। आपको सारी बटन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कंट्रोल डी दबाइए, कंट्रोल डी, और इसका रेफरेंस पावर बटन कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाइए, इसका रेफरेंस फैक्ट बटन कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाइए, इसका रेफरेंस रेडियन बटन कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाइए, इसका रेफरेंस डिग्री बटन कर दीजिए, और फिर कंट्रोल डी दबाइए, इसका बटन साइन बटन कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाइए, इसका बटन कॉस बटन कर दीजिए, फिर कंट्रोल डी दबाइए और इसका बटन टैन बटन कर दीजिए। तो परफेक्ट, सारी बटन बाइंड हो गई। अब आप कोई भी बटन क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल होगा कैलकुलेट एस सी। देखिए मोड पे चलते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए बी टी कैलकुलेट एस सी चला, उसने बी टी एन प्रिंट कर दिया, सब पे कर देगा क्योंकि 6 बटन हमने बाइंड कर दिए। अब हमें निकालना है बेसिकली इन सारे फंक्शंस, वहाँ पे इन सारे टेक्स्ट को निकालना है। तो सबसे पहले मैं अपने इस वाले फंक्शन में विजिट निकालूंगा कि कौन सी बटन क्लिक हो रही है। तो लिखेंगे बटन और लिखेंगे इवेंट डॉट विजिट, इससे होगा क्या, आपको वो वाली बटन मिल जाएगी जो बटन क्लिक हो रही होगी। फिर उसका मैं टेक्स्ट निकालूंगा, टेक्स्ट कैसे निकालूंगा, बी टी एन ऐसे करके आप टेक्स्ट निकाल लीजिएगा। तो जो बटन आपने निकाली है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको हल्का दिख जाए। तो देखिए टेक्स्ट निकालने के लिए आप बी टी एन लिखिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट दे दीजिए। तो अगर आप प्रिंट करते हो टेक्स्ट को तो सिंपली देखोगे जो बटन क्लिक होगी उसका टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। तो एस सी पे जाइए और यहाँ डिग्री के लिए, तो देखिए टू डेग मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल गया, टू रेडियन मिल गया, दैट मीन सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ़ अगर टेक्स्ट की वैल्यू, टेक्स्ट जो आया है वो कहीं टू डेग तो नहीं है। अगर टू डेग है, इन द सेंस आपको प्रिंट करना है या काम करना है कैलकुलेट डिग्री, ठीक है।
कब, जब टू डेग होगा। तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो देखिएगा सिंपली हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब डेग पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैलकुलेट डिग्री वाला फंक्शन चल रहा है, बाकी सब पे नॉर्मल फंक्शन चलेगा। इसी तरह हम एल इफ लगा के सारा काम कर सकते हैं। सिंपली देखिए हम लोग यहाँ एल इफ, और अगर टेक्स्ट में आ गया टू रेडियन, दैट मीन्स अब हमें प्रिंट करना है कैलकुलेट रेडियन, तो हमें यहाँ पे रेडियन कैलकुलेट करना है। इसी तरह हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं सबका, ठीक है। तो अभी हमने दो बटन का इवेंट हैंडल कर लिया, हम लोग क्या करते हैं एल एल इफ और लगाते हैं, एल इफ और एल इफ में इफ अगर टेक्स्ट की वैल्यू एक्स की फैक्टोरियल हो गई, दैट मीन्स आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैलकुलेट फैक्टोरियल, प्रिंट कैल फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी मैं सारी चीज़ कैलकुलेट करके बताऊंगा, बस अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इवेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे। और मैं एल इफ लगाऊंगा और लिखूंगा टेक्स्ट, और अगर टेक्स्ट की वैल्यू हो गई भाई साइन थीटा, तो साइन थीटा बार बार आप क्या करिए, ऊपर जाइए और साइन थीटा को एक बार कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको थीटा लाना पड़ेगा एमएस वर्ड से या उसका एस्काई वगैरह लाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और आइए जहाँ पे आप कोडिंग कर रहे थे वहाँ सिंपली पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट कैलकुलेट कैलकुलेट साइन, समझ जाएंगे। फिर से आप लगाइए एल इफ और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट चेक कर लीजिए कि कहीं टेक्स्ट हमारा कॉस तो नहीं है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए सिंपली कॉस, और अगर कॉस होगा तो प्रिंट आपको क्या करना है कैलकुलेट कॉस। उसके बाद टैन के लिए कर दीजिए, तो हम कहेंगे एल एल इफ, अगर एल इफ टेक्स्ट की वैल्यू अगर टैन थीटा हो गई, तो टैन थीटा हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे कैलकुलेट टेन, तो हम लिख देंगे प्रिंट कैलकुलेट टेन, ठीक है। तो अब देखिए सारी बटन हो गई, कितनी बटन मैंने यहाँ हैंडल कर लिया, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही बटन मैंने बनाई थी। तो अब हम देखिए एक बार रन करके देख लीजिए, आपको उस बटन के अकॉर्डिंग इस बार आपको आउटपुट मिलेगा। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, साइंटिफिक मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कैलकुलेट फैक्टोरियल, अच्छा दो बटन मैंने नहीं हैंडल किए यहाँ पे, ये तो यहाँ पे टू रेडियन में आ जाएगा। देखिए टू रेडियन, टू डिग्री, कैलकुलेट डिग्री, कैलकुलेट साइन, कैलकुलेट कॉस, कैलकुलेट टेन, तो आपका रेडियन, टू रेडियन, ठीक है, टू रेडियन और रेडियन, मतलब अब हमें ये दोनों भी काम करना है, इन दोनों का भी एलसीफ लगा देना है। तो चलिए भाई इन दोनों का भी क्या करते हैं, इन दोनों का भी लगा देते हैं एलसीफ। तो हम लोग क्या करते हैं एल इफ, और यहाँ पे अगर टेक्स्ट की वैल्यू स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कहाँ से लाएंगे भाई, सिंपली अभी हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऊपर कहीं लिखा था, तो हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं अपना स्क्वायर रूट, इतना तो ईजी है। और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एस क्यू आर टी, सिंपली आप क्या करना है, सिंपली एक लास्ट एलसिफ और यहाँ पे टेक्स्ट लगाते हैं और लिख देते हैं अगर पावर है, इन केस हमें प्रिंट पावर करना है, प्रिंट पावर करना है। तो सिंपली अब हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे करना है। टेक्स्ट आपको निकल ही गया, सारा काम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिग्री से, डिग्री फिर रेडियन फिर फैक्टोरियल, फिर एक एक करके करें। तो हमें चाहिए होगा मैथ मॉड्यूल, तो हम लोग आते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इम्पोर्ट मैथ एज एम, ठीक है। अब हम एम को यूज़ करेंगे सारा काम करने के लिए। तो हम लोग सिंपली देखिए आते हैं और डिग्री, टू डिग्री, दैट मीन्स आपको रेडियन मिल रहा है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन मिल रहा है क्योंकि टू डिग्री, दैट मीन्स रेडियन को डिग्री में, तो आप लिखिए यहाँ पे एम डॉट डिग्रीज, ठीक है। तो आपको रेडियन देना है, डिग्रीज में दे देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे फ्लोट और फ्लोट में हम कन्वर्ट कर देंगे अपना टेक्स्ट, तो हमें मिल जाएगा आंसर, तो हम ले लेते हैं आंसर, ठीक है। अब आंसर को उठा के हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने टेक्स्ट फील्ड पे। तो देखिए आप लिखिए टेक्स्ट फील्ड डॉट, या सिंपली आप क्या करिए, इसको एक ही बार करिए, अदरवाइज आपको बार बार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं आंसर और आंसर में रख लेते हैं सबसे पहले ब्लैंक, ठीक है। और देखिए डिग्री आंसर में आ जाएगा और जो भी काम होगा उसको क्या करिए, आप एसटीआर में चेंज कर दीजिए, एसटीआर में भाई चेंज हो गया, तो ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट गलत हो गया, परफेक्ट। और लास्ट में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग टेक्स्ट फील्ड पे इसको सेट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे जीरो पोजीशन पे, क्या
आंसर, और इससे पहले वाला हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ज़ीरो से लेके एंड तक, और हम लोग एक ऑपरेशन देख लेंगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसको रन कर दें, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं भाई कि 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले आप मोड चेंज कर लीजिए और आप रेडियन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, हमारा आया नहीं है आउटपुट। फिर से मैं करता हूँ, फिर से टू रेडियन नहीं, टू डिग्री पे हम लोग कर रहे हैं भाई, हम लोग ने काम किया है टू डिग्री पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 180, और 180 कितनी डिग्री होता है, यहाँ पे देखिए कुछ गलत आ रहा है, कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, स्ट्रिंग को फ्लोट में वो नहीं कन्वर्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, देखिए सिंपली फ्लोट में इसका कन्वर्जन कर दिया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे हल्का गलत कर दिया था, हम लोगों ने टेक्स्ट का यहाँ पे यूज़ किया है, टेक्स्ट इन द सेंस कि आपने जो बटन के ऊपर निकाला है। तो हम लोग को कन्वर्जन जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है वो हमें फील्ड का करना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लिखेंगे, ले लेंगे ईएक्स, और हम फील्ड से डेटा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फील्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट, और हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तो ईएक्स दे देंगे। अब हमारा शायद डिग्री वाला फंक्शन काम करेगा। देखिए अगर मैं मोड पे चलता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ ऐसा ही 50, टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो 50 में इतने डिग्री मिल जाएंगे। आप आइए गूगल पे इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल पे टाइप करते हैं रेडियन टू डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे रेडियन टू डिग्री और चेक करेंगे भाई 50 कितना था, यहाँ पे मैंने दिया था 50, ठीक है। तो 50 2864, और हम यहाँ पे देखें 2864, देखिए 2864, अगर हम यहाँ पे देते हैं भाई सिंपली देते हैं 40, और 2 डिग्री में देखिए 2291, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया था भाई मैंने 40, तो आप चेक कर लीजिए 40 में 2291, दैट मीन्स हमारा कैलकुलेटर परफेक्ट डिग्री के लिए काम कर रहा है। इसी तरह हम लोग रेडियन कर लेते हैं, तो रेडियन के लिए सिंपली आप क्या करिए, रेडियन वाले में एग्जैक्टली ऐसे ही करिए। देखिए आप एक वेरिएबल ले लीजिए आंसर, और सॉरी वेरी आंसर में रख दीजिए str, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके m डॉट रेडियन, ठीक है। और रेडियन को देना है, रेडियन को देना है डिग्री, तो आप सिंपली फ्लोट में ex पास कर दिए। ex में क्या रखा होगा, जो आपने फील्ड से डेटा निकाला होगा, तो आपका रेडियन वाला भी काम हो गया। देखिए राइट क्लिक करिए, रन करिए, और सिंपली आप देख लीजिए 180 में कितने रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, देखिए 3.14, दैट मीन्स पाई, ठीक है। तो आपका रेडियन डिग्री वाला काम हो गया। इसी तरह स्क्वायर रूट वाला आप काम कर सकते हो, तो स्क्वायर पहले हम फैक्टोरियल वाला काम कर लेते हैं। तो सिंपली आप इसमें भी आपको वही करना है, आंसर में रख दीजिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एम डॉट, ये था फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल आप फ्लोट निकाल दीजिए, फ्लोट एक्स का फैक्टोरियल, या इसको तो आप इंटीजर दे दीजिए, तो हमने कहा इंटीजर एक्स, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल निकालेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, आंसर में डाल देगा, और आंसर हमारा सेट हो जाएगा अपनी फील्ड के ऊपर। देख लीजिए सिंपली, लेट अस सपोज हम गए साइंटिफिक पे और हमें निकालना है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। फिर हमें निकालना है लेट अस सपोज 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, हमें 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। अगर हमें निकालना है 36 का फैक्टोरियल, तो सिंपली आपको 36 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। परफेक्ट पावरफुल कैलकुलेटर हम लोग का यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग का फैक्टोरियल रेडियन डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं इसका स्क्वायर रूट का भी, देखिए या हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग को निकालना था फैक्टोरियल के बाद निकालना साइन थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा होता क्या है, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए प्रिंट और सॉरी आंसर एक वेरिएबल ले लेंगे, और आंसर वेरिएबल में क्या करेंगे, आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे किसे, एम डॉट साइन को, ठीक है। साइन को चीज़ें देनी है आपको, देना एंगल, बट एंगल रेडियन में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम डॉट रेडियन अपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिग्री, ये फंक्शन क्या करेगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देगा, साइन उसका निकाल लेगा, साइन की वैल्यू, और फिर वो आंसर में आ जाएगा और वो सेट हो जाएगा। एक बार मैं साइन 30 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे 30 लिखिए और साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे ex जो है ना, ये हम लोगों ने डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिया, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले ex इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर रेडियन में, फिर इसका साइन निकलेगा और फिर आंसर में आ जाएगा। तो फिर से रन करते हैं और फिर से साइन 30 निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आएंगे, लिखेंगे 30 और साइन,
वन अपॉन टू, ठीक है, साइन 30। एक बार आप गूगल पे आइए और यहाँ भी चेक कर लीजिए साइन, ठीक है, तो साइन 30.5 सिंपली। तो हम लोग का भी आंसर जो आया था वो देखिए 49, दैट मीन्स साइन हो गया। इसी तरह आप कॉस भी निकाल सकते हो, सिर्फ इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आप आ जाइए कॉस में और इसको पेस्ट कर दीजिए, जहाँ साइन है वहाँ कॉस कर दीजिए। इसी तरह आ जाइए टेन में, इसको पेस्ट कर दीजिए, जहाँ टेन साइन है वहाँ टेन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मोड पे जाइए, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाइए, तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल हो गया, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब हमें करना है पावर, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पावर। और हम लोग चाहते हैं कि ऑडियो भी प्रोड्यूस करें हम लोग, जैसे आप वन क्लिक करें ऑडियो भी प्रोड्यूस हो, वन प्लस टू इक्वल टू दैट इज थ्री, ठीक है। तो ये सारा काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपका एकदम पावरफुल साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो गया विद ऑप्शन, आप चाहो तो आप साइंटिफिक ओपन करो, आप चाहो तो आप नॉर्मल ओपन करोगे। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए और ये एज अ सॉफ्टवेयर इसका EXE बना लीजिए और यूज़ करिए, इसको और इम्प्रूव करिए। आप यहाँ पे एक ऑप्शन हिस्ट्री का दे सकते हैं, आप ये इन आंसर को सेव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ें सीखिए करिए, तभी आप काम कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हमने इसमें बेस्ट प्रैक्टिस बताई है कैसे आप कैलकुलेटर वगैरह बनाते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।